लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आज के समय में जहां लड़के और लड़कियों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, वहीं हमारे देश में एक कॉलेज ऐसा है जहां मैरिड और अनमैरिड लड़कियों में भी भेदभाव किया जाता है, क्योंकि इस कॉलेज में सिर्फ अनमैरिड लड़कियां ही कर सकती है ग्रेजुएशन और मैरिड लड़कियों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तेलंगाना सरकार का मानना है कि पति के आने से महिलाएं बहकती है, इसलिए मैरिड महिलाओं को एडमिशन ही नहीं दिया जाए। यह बात उन्होंने एक नोटिफिकेशन के जरिए सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल वुमेन डिग्री कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए कही है। इन कोर्स में बीए, बीकॉम, बीएससी शामिल है। सरकार का कहना है कि मैरिड वुमन कॉलेजों में भटकाव पैदा करती हैं। वही टीओई की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने यह नियम एक साल पहले ही लागू कर दिया है। 23 आवासीय कॉलेजों के करीब 4000 सीटों पर एडमिशन इस नियम से होता है। इन कॉलेजों में महिला कैंडिडेट को सभी चीजें मुफ्त में बांटी जाती है। सोसाइटी के कंटेंट मैनेजर ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शादीशुदा महिलाओं को एडमिशन देने पर उनके पति भी कॉलेज विजिट करते हैं, इससे बाकी महिलाओं का ध्यान भटक सकता है। तो वहीं सोसाइटी के सेक्रेटरी का कहना है कि आवासीय कॉलेजों का मकसद था कि बाल विवाह रुक सके, इसलिए हम शादीशुदा लड़कियों को प्रोत्साहित नहीं करते।